भारत ने वर्ल्ड कप की टीम में दो ऐसे खिलाड़ी चुन लिए जो बन सकते हैं टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय। आखिर कैसे इनकी फॉर्म से उभरेगी टीम इंडिया? रविन उथप्पा ने ले लिया उस खिलाड़ी का नाम जो टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में कर सकता है बेड़ा गर्क। सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी लटक रही है तलवार। एशिया कप में टीम इंडिया की घटिया फील्डिंग भी वर्ल्ड कप के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा। चेतनचर में नहीं किया टीम इंडिया ने सुधार तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतेगी टीम इंडिया। समय रहते अगर नहीं सुधारेगी टीम इंडिया अपनी फील्डिंग और वो दो खिलाड़ी जिनके फॉर्म है चिंता का विषय, तो वर्ल्ड कप फतह करना है मुश्किल। आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत अब चंद दिन बचे हैं। इस बार वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक भारत में खेला जाना है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत अकेले ही वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इससे पहले उसने 1987, 1996 और 2011 के वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी की थी। वर्ल्ड कप से पहले दो स्टार खिलाड़ी का फॉर्म चिंता का विषय टीम इंडिया के लिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसमें सबसे पहला नाम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर का है। शार्दुल ठाकुर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में गेंद से महंगे साबित हुए। शार्दुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में कुल 14 ओवर में 113 रन दे दिए और उन्हें कोई भी विकेट नहीं मिला। शार्दुल ने अब तक 44 वनडे मैच खेले हैं जिनमें उनका इकोनॉमी रेट 6.24 का रहा है। ये काफी चिंता का विषय है क्योंकि शार्दुल बल्ले से भी उपयोगी योगदान देने में माहिर है। इसी चलते उन्हें प्लेइंग 11 में मोहम्मद शमी पर तहरीज दी जाती है, लेकिन यदि वो ऐसे ही रन लुटाते रहेंगे तो भारत की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मिडिल ऑर्डर बैटर सूर्य कुमार यादव का भी वनडे फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है। सूर्य ने अब तक 30 वनडे मैच खेले हैं और 28 पारियों में 27.79 की औसत से 667 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि सूर्य ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के 2 लगातार अर्धशतक लगाकर फॉर्म में लौटने के संकेत दिए। वर्ल्ड कप के दौरान श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और केएल राहुल के रहते सूर्य कुमार यादव को प्लेइंग 11 में शायद ही मौका मिले, लेकिन किसी खिलाड़ी के अनफिट होने पर उनकी जरूर टीम को जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में सूर्य कुमार यादव को अभी से कमर कस लेनी चाहिए। चिंता का एक सबब भारतीय टीम की हालिया समय में खराब फील्डिंग भी रही है, जिससे उनके मिशन वर्ल्ड कप को धक्का पहुंच सकता है। एशिया कप 2023 और ऑस्ट्रेलियाई सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों की लचर फील्डिंग देखने को मिली है। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने मौके गंवाए हैं। अब हाल ही में इसी पर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज रविन उथप्पा ने सवाल उठाया है और बताया है कि वो भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। हाल ही में उथप्पा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि शार्दुल ठाकुर भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। वे विकेट जरूर हासिल करते हैं लेकिन बहुत सारे रन भी लुटाते हैं। रविन उथप्पा के मुताबिक ठाकुर बहुत ही क्वालिटी गेंदबाज है, लेकिन बॉलिंग करते हुए तो वो महंगे साबित हो रहे हैं। ये ऐसा पक्ष है जहां पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर का मानना है कि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज की विश्व कप में बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका रहने वाली है। सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी चिंता का विषय है। जो जिस आजादी से T20 में उतरते हैं उतनी सहजता वनडे में नजर नहीं आती। डिविलियर्स के बाद मिस्टर 360 के नाम से मशहूर हुए सूर्य कुमार यादव के लिए अपनी T20 फॉर्म को 50 ओवर के क्रिकेट में दोहराना बेहद ही जरूरी रहेगा।